नमस्कार आज हम बात करेंगे जूम की उन फीचर्स के बारे में जो सभी एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए रिक्वायर्ड हैं, जरूरी हैं, जिनकी वजह से कई बार शिक्षकों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ऐसा लगता है कि वो उस स्थिति में आ जाते हैं जब वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं कि ऐसे में हम क्या करें तो थोड़ी सी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं और जूम की उन सेटिंग्स के बारे में हम जानते हैं जिनको यूज करके हम बहुत सारे सिक्योरिटीज को अनेबल कर सकते हैं और बहुत सारी जो हमारी समस्याएं हैं लाइक अननोन नोन पर्सन हमारे जूम क्लासेस के अंदर एंटर कर जाते हैं या जब वो एंटर करते हैं तो कोई ना कोई अननेसेसरी चैट हमारे साथ शेयर कर लेते हैं और वो चैट्स पर लिखे हुए वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जो कहीं भी शेयरेबल करने लायक नहीं होते या वो अपना माइक जो है अनम्यूट कर लेते हैं किसी भी प्रकार की आवाज वो निकालना शुरू कर देते हैं वीडियो ऑन कर लेते हैं और वीडियो ऑन करने के बाद किसी भी प्रकार का कंटेंट वो उस वीडियो पर प्ले करना शुरू कर देते हैं ये तो कुछ एक समस्याएं हैं लेकिन ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जब आप जूम क्लास पर कनेक्ट होते हैं तो जूम के अंदर वो फीचर्स रिसेंटली जूम भी इस पर काम कर रहा है और बहुत सारी अपडेट्स जूम लेकर के आया है लेट्स देखते हैं जूम अकाउंट के थ्रू कौन कौन से सिक्योरिटी फीचर्स को एड ऑन करके अनेबल करके अपने क्लास को कितना ईज ऑफ एक्सेस तक लेकर के आ सकते हैं सामने आप जो देख रहे हैं ये लैपटॉप की स्क्रीन है या आप कंप्यूटर डेस्कटॉप से अगर जूम क्लास लेते हैं तो उस स्क्रीन पर जूम कुछ इस तरीके से ओपन होता है यहां पर सबसे पहले राइट हैंड साइड टॉप पर जो ये अवेलेबल साइन है आपको किसी पर्टिकुलर अकाउंट के साथ में यहाँ पे साइन इन करना होता है जैसे मैं ऑलरेडी यहाँ एक अकाउंट के साथ साइन इन हूं आप चाहें तो यहां से साइन आउट करके अपने दूसरे अकाउंट के साथ में साइन इन कर सकते हैं या अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं ये अकाउंट एक फ्री अकाउंट है एक बेसिक सेटिंग्स के साथ में अकाउंट है आप देख रहे हैं ये जूम की फ्री फोर्टी मिनट की क्लासेस वाला अकाउंट है जब आप ज्वाइन कर लेते हैं साइन इन कर लेते हैं तो आपको मीटिंग शेड्यूल करने के लिए नई मीटिंग डालने के लिए किसी मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए या डायरेक्टली अपनी स्क्रीन को शेयर करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं यहां पर यह चैट सेक्शन है अगर कोई चैट्स है कोई आपकी स्टार्ड मैसेजेस हैं कुछ आपने पिनअप करके मैसेजेस रखे हुए हैं तो वो आपको यहाँ नजर आ जाएंगे मीटिंग्स के अंदर जो मीटिंग्स आपने ऑलरेडी फिक्स की हुई हैं वो मीटिंग्स आपको यहाँ नजर आ जाएंगी जो भी आपने शेड्यूल्ड मीटिंग होंगी आपकी कॉन्टेक्ट्स के अंदर भी जूम अब काम कर रहा है कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी जूम आपके जो नियर बाई पर्सन है जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव्ड लोग हैं उनको भी वो यहाँ पर डिस्प्ले कराने में हेल्प करता है तो नॉर्मली अभी हम शेड्यूल मीटिंग पर नहीं जाएंगे या हम कोई नई मीटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सेटिंग्स के बारे में जानेंगे कौन कौन सी वो सेटिंग्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं सबसे पहले यहाँ पर जूम एप्लीकेशन पर ही देखते हैं जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया राइट हैंड साइड पर मेरा प्रोफाइल पिक आ रहा है और नीचे आप देखेंगे तो यहां पर सेटिंग्स ये एक ऑप्शन है सेटिंग्स जैसे ही आप सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी जनरल सेटिंग है जिसमें आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं इनमें से जो ऑप्शन बाई डिफॉल्ट एनेबल्ड हैं इन्हें आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं इनसे कोई ज्यादा आपको क्लास लेने में या क्लास के अलावा कोई नॉर्मल मीटिंग करने में आपको कोई इशू नहीं आने वाला है हालांकि जूम के अंदर इतनी सारी सेटिंग्स हैं इतनी सारी फीचर्स हैं सबके बारे में इस वीडियो में बात कर पाना मुश्किल है लेकिन एक टीचिंग पर्पज से एक एजुकेशन सेक्टर से जुड़े होने के नाते हम किन किन बातों पर ध्यान रख सकते हैं उन सेटिंग्स के बारे में हम यह बात करेंगे ये वीडियो सेटिंग है जिसमें आपका कैमरा ऑन रहेगा और कैमरा ऑन होने के बाद में आप क्या चाहते हैं जैसे आप देख रहे हैं कि वर्चुअल बैकग्राउंड है यहां पर पीछे कोई भी एक लुक नजर आ रही है थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर अलग अलग तरीके के ऑप्शन आपको मिलेंगे एडजस्ट फॉर लो लाइट लेवल में भी जूम ने अपनी फीचर्स को एनहांस कर लिया है तो वो यहाँ पर भी काम करेगी टच माई अपीरियंस तो आप देखिए अगर मैं इस ऑप्शन को डिसेबल कर लेता हूं तो मेरे फेस पर जो है वो एक डलपन आ जाएगा लेकिन जैसे ही मैं टच माई अपीरियंस करूंगा तो ये धीरे धीरे उसको ब्राइटन या हल्का सा लोअर पे करता चला जाएगा तो ये आपके फेस पर भी काम करता है ऑडियो के साथ में जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो यहां पर ये मेरा माइक टेस्ट हो रहा है ये माइक की टेस्टिंग है और इवन यहाँ पर सप्रेस बैकग्राउंड नॉइज कई बार हमारे आसपास पंखे के चलने की आवाज है गर्मियों में क्लास ले रहे हैं या हमारे आसपास कोई डॉग्स की आवाजें आ रही हैं तो ऐसी आवाजेस को भी कंट्रोल करने के लिए जूम ने फीचर दी है सप्रेस बैकग्राउंड नॉइज इसमें ऑटो लेवल है यानी ये अपने आप कंट्रोल करता है आप इसे लो मीडियम हाई जैसे मैंने यहां इसको हाई सेट किया है इट मीन टाइपिंग की स्पीड डॉग बास या कंप्यूटर फैन पेन टैप्स ये मीडियम लेवल पे है फेंट बैकग्राउंड नॉइज आता है तो ये लो लेवल पर है ऑटो भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा किसी ऐसे नॉइजी एरिया में रहते हैं तो आप इसे हाई पर रख करके भी अपनी टीचिंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं बैकग्राउंड एंड फिल्टर जैसे भी आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में एक बीच का बैकग्राउंड आ रहा है यहां से आप ब्लरी बैकग्राउंड भी ले सकते हैं कि चारों तरफ जो आपकी ओरिजिनल लुक है वो ब्लर्ड हो जाएगा और केवल आपके फेस को फोकस किया जाएगा या आप यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड अवेलेबल हैं अर्थ का बैकग्राउंड है ऑफिस के कुछ बैकग्राउंड हैं इन्हें आप अपने यहाँ पे डाउनलोड करके भी बैकग्राउंड को यूज कर सकते हैं उसके बाद में स्टूडियो के इफेक्ट है जो आपके फेस के साथ में ये सारे काम कर सकते हैं आईब्रोज हैं आपके बियर्ड है तो बहुत सारे इफेक्ट हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं लेकिन एक नॉर्मल टीचिंग के लिए अगर आपके पास कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है और आप वीडियो के साथ में काम करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के साथ में काम कर सकते हैं अगर आप ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहे हैं यानी आपके पीछे का बैकग्राउंड हरे पर्दे वाला बैकग्राउंड है तो आपके लिए बहुत ज्यादा और ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे लेकिन हरे पर्दे के लिए ग्रीन पर्दे के लिए एक अच्छी लाइटिंग का होना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से आप ये सारी सेटिंग्स ठीक से कर पाएंगे लेकिन नॉर्मली आप सिंपल इस तरीके से हल्की लाइट में भी ये वर्चुअल बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं वीडियो पर बहुत सारे फिल्टर आप लगा सकते हैं रिकॉर्डिंग्स जैसे यहां पर एक सेटिंग है कि जब आप स्क्रीन शेयर करें तो आपकी रिकॉर्डिंग होती रहे तो ये सेटिंग आप पहले से सेट रख सकते हैं या फिर इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं यहां पर आते हैं प्रोफाइल प्रोफाइल के अंदर आपको यहां मिलेगा व्यू एडवांस्ड फीचर ध्यान रखिएगा अभी मैं बात कर रहा हूं डेस्कटॉप के बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे जो मोबाइल एप्लीकेशन पर जब यूजर्स क्लास लेते हैं जूम की तो वो किस तरीके से यहां पर सेटिंग पर आ सकते हैं तो आपने करना क्या है यहां पर हम लैपटॉप या डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर है सेटिंग्स के अंदर आए प्रोफाइल के अंदर आए और यहां पर ऑप्शन है व्यू एडवांस्ड फीचर जैसे ही हम व्यू एडवांस्ड फीचर पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस ब्राउजर पर हमें ये कंप्यूटर लेकर जाएगा और हम इसको यहां पर बंद कर देंगे यहां पर साइन इन ऑप्शन है तो जिस जूम अकाउंट से आप यहां पर साइन इन हैं, या जिस गूगल अकाउंट से आप यहां पर साइन इन हैं क्योंकि जूम में साइन अप करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आपको यहां पर साइन इन करना है यानी किसी ब्राउजर पर जाकर के आपको साइन इन करना है जूम अकाउंट के अंदर यही काम हमें मोबाइल पर भी करना होगा यही काम हम डेस्कटॉप पर भी कर रहे हैं अब हम यहां साइन इन पर क्लिक करते हैं मैं ऑलरेडी एक गूगल अकाउंट के साथ में जूम अकाउंट यूज कर रहा हूं तो, तो दैट्स वाई मैंने यहां पर गूगल चूज किया है आप अगर फेसबुक के साथ कनेक्टेड हैं तो आप फेसबुक भी चूज कर सकते हैं और अगर आपने खुद जूम पर जाकर के अपने आप को साइन अप किया है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं तो मैंने यहां पर गूगल अकाउंट चूज कर लिया है जिस पर्टिकुलर अकाउंट से मैं जुड़ा हूं वो अकाउंट मुझे यहां पर सेलेक्ट करना है जो मैंने जूम एप्लीकेशन पर सेट किया हुआ है आफ्टर साइन इन जब आप साइन इन कर लेंगे तो आप कुछ ऐसी स्क्रीन को देखेंगे देखिए ये जो स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं अगर आप एक मोबाइल यूजर भी हैं अगर आप मोबाइल से भी जूम की क्लासेस लेते हैं तो भी यही सेटिंग्स हैं और डेस्कटॉप पर आप देख रहे हैं तो भी यही सेटिंग्स हैं यानी डेस्कटॉप पर आप जैसे ही एडवांस फीचर पर क्लिक करते हैं तो भी आप इसी पेज पर आएंगे और मोबाइल पर भी अगर आप क्रोम ब्राउजर पर नॉर्मली ये सेटिंग्स ओपन कर लेंगे जूम अकाउंट लॉग करके तो भी आपको इन्हीं सेटिंग्स पर ध्यान देना है अब यहां पर भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं लेकिन मैंने कुछ सेटिंग्स आपके लिए नोट डाउन करके रखी हुई है तो मैं उन सेटिंग्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा पहली सेटिंग ये सिक्योरिटी की है यहां पर सिक्योरिटी है स्केड्यूल मीटिंग है इन मीटिंग बेसिक है इन मीटिंग एडवांस्ड है

तो एट द रन टाइम जब आप अपनी क्लास ले रहे होते हैं मीटिंग ले रहे होते हैं तो आप इसे चेंज कर सकते हैं बट ये डिफॉल्ट सेटिंग जिन्हें हम सेट कर रहे हैं तो वेटिंग रूम हमें रखना है मीटिंग के पासपोर्ट सिक्योरिटी के रीजन से ऑलरेडी अब ये सेट है कि हर मीटिंग एक पासपोर्ट के साथ में शेड्यूल होगी आप अपनी पर्सनल मीटिंग आईडी को भी यूज कर सकते हैं और आप अपनी रैंडम आईडी को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि जब आप कोई मीटिंग शेड्यूल करते हैं देखिए जब आप शेड्यूल करते हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं जनरेट ऑटोमेटिकली और पर्सनल मीटिंग आईडी तो बाय डिफॉल्ट ये पर्सनल आए तो डिफॉल्ट सेटिंग को सेट करने के लिए यहां पर आप पर्सनल का यूज कर सकते हैं रिक्वायर पासपोर्ट पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी यहां पर ये सेटिंग है एम्बेड पासपोर्ट इन इनवाइट लिंक फॉर वन क्लिक ज्वाइन ये सेटिंग थोड़ी ध्यान देने वाली है अभी क्या होता है बाई ये सेटिंग हमेशा हमें ऑन मिलेगी लेकिन यहां पर आपको इसे ऑफ रख सकते हैं एक्चुअली ये सेटिंग आपकी डिपेंडेंसी के ऊपर है इसका मतलब ये है कि जब आप मीटिंग शेड्यूल करते हैं और इनवाइट लिंक आप तैयार करते हैं देखिए ये मीटिंग मेरी है और मैं शेड्यूल करता हूं जैसे ही मैं सेव करूंगा तो एक इनवाइट लिंक क्रिएट हो जाएगा और ये इनवाइट लिंक अगर आप देखेंगे अब ध्यान से तो इस इनवाइट लिंक के अंदर जो लिंक आ रहा है अब ये लिंक विदाउट पासवर्ड है इसका बेनिफिट क्या हुआ कि अब आपने अगर कोई मीटिंग सेट की है तो वो लिंक पर क्लिक करके यूजर डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा एक प्रोसेस में आना पड़ेगा यानी कि जब भी वो मीटिंग से कनेक्ट होगा कोई भी यूजर आपकी मीटिंग से कनेक्ट होगा तो उसको पासपोर्ट डाल के ही एंटर करना पड़ेगा अदरवाइज अभी क्या होता है जब आप जूम मीटिंग शेड्यूल करते हैं तो वो लिंक बनता है और आप लिंक शेयर करते हैं और कोई भी यूजर डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करता है और उसे कोई पासपोर्ट डालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि पासकोड उसके साथ में एम्बेड रहता है लेकिन जैसे ही आप इस सेटिंग को डिसेबल कर देंगे तो जब भी आपकी मीटिंग शेड्यूल होगी तो वो विदाउट पासकोड एक इनवाइट लिंक क्रिएट करेगी तो इसे आप डिसेबल रख सकते हैं और चाहे तो एनेबल भी रख सकते हैं यह आपके अपनी चॉइस के ऊपर है आगे आते हैं अप्रूव और ब्लॉक एंट्री फॉर यूजर्स फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्री रीजन इसे आपने एनेबल रखना है सिक्योरिटी के नाते भी जैसे यहां पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे तो मैंने यहां सेलेक्ट किया हुआ है अलाउ ओनली यूजर्स फ्रॉम इंडिया अगर आप केवल इंडिया या इंडिया से रिलेटेड कॉन्टिनें के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर कंट्रीज भी सेट कर सकते हैं या आप कुछ कंट्रीज को ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होता है उसके बाद आते हैं शेड्यूल मीटिंग अब हम यहाँ सेकंड पार्ट पर आ गए हैं स्केड्यूल मीटिंग तो होस्ट वीडियो स्टार्ट मीटिंग विद होस्ट वीडियो ऑन जब भी आप मीटिंग स्टार्ट करें तो आपकी वीडियो हमेशा ऑन रहनी चाहिए नहीं ये जरूरी नहीं है आप जब चाहें से ऑन रख सकते हैं तो दैट इज वाई ये सेटिंग आपने ऑफ रखनी है बाई डिफॉल्ट ऑफ है तो उसको ऑफ ही रहने देना है पार्टिसिपेंट्स वीडियो अब ये भी आपकी डिपेंडेंसी पर है हालांकि ये सेटिंग्स प्रॉपर कई बार वर्क करती है कई बार नहीं भी करती है कि जब आपका यूजर आपके स्टूडेंट्स आपके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं तो वो वीडियो ऑन करके कनेक्ट हों तो ये जरूरी नहीं है लेकिन ये उनकी प्राइवेसी पर डिपेंड करता है तो आप चाहें तो इस ऑप्शन को इनेबल भी रख सकते हैं और डिसेबल भी रख सकते हैं आगे आता है इनेबल पर्सनल मीटिंग आईडी तो जब भी आप जनरली अपनी पर्सनल मीटिंग आईडी के साथ में काम करना चाहते हैं आपकी एक पर्सनल मीटिंग आईडी हमेशा सेट रहती है जो हमेशा फिक्स रहेगी जब भी आपने अकाउंट क्रिएट होगा और जब तक आप ये अकाउंट यूज करेंगे तब तक आपकी वो आईडी हमेशा रेडी रहेगी आप ये पर्सनल मीटिंग आईडी चेंज कर सकते हैं जब आप प्रो लेवल के अकाउंट पे आ जाते हैं आप कोई परचेज प्लान ले लेते हैं तो ये पर्सनल मीटिंग आईडी आपने एनेबल रखनी है आपको ये हमेशा काम आएगी उसके बाद में जब आप स्केड्यूल करते हैं कोई मीटिंग तो बाय डिफॉल्ट जैसे वहां पर अभी मुझे ऑप्शन नजर आ रहा था कि जब मैं शेड्यूल पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर पर्सनल मीटिंग सेलेक्टेड आता है तो वो ऑप्शन इसलिए नजर आता है क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है यूज पर्सनल मीटिंग आईडी वैन शेड्यूलिंग अ मीटिंग कि मैं जब भी कोई मीटिंग शेड्यूल करूं तो ये पर्सनल मीटिंग वाला ऑप्शन एनेबल रहना चाहिए यानी बाय डिफॉल्ट पर्सनल मीटिंग है बाकी आप चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली मीटिंग जनरेट हो सकती है उसके बाद इंस्टेंट मीनिंग पे भी आप ये एनेबल रख सकते हैं म्यूट ऑल पार्टिसिपेंट्स व्हेन दे ज्वाइन अ मीटिंग इस सेटिंग को भी आपको एनेबल रखना है कि जब भी आपके यूजर्स आपके स्टूडेंट्स आपकी क्लास में एंटर कर रहे होते हैं तो वो म्यूट रहें, लेकिन उनके पास में ऑप्शन होता है कि वो अनम्यूट भी कर सकते हैं तो वो ऑप्शन आप कैसे डिसेबल कर सकते हैं वो भी अभी हम देखेंगे लेकिन बाय डिफॉल्ट जब पहली बार एंट्री कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो स्टूडेंट्स म्यूट रहे हैं, तो उसके लिए ये एक डिफॉल्ट सेटिंग है कि म्यूट ऑल पार्टिसिपेंट्स व्हेन दे जॉइन अ मीटिंग अपकमिंग मीटिंग रिमाइंडर अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पर क्लास ले रहे हैं और आपकी क्लास को स्टार्ट होने में पांच से सात मिनट रह गए हैं तो पांच मिनट पहले आपको एक रिमाइंडर आ जाएगा तो थोड़ी देर पहले आपको पता चल जाएगा कि भाई अब ये मीटिंग आपकी स्टार्ट हो रही है तो ये फीचर बहुत अच्छी है रिमाइंड कराने के लिए मैं इसे पर्सनली यूज करता हूं तो मेरा एक्सपीरियंस इसको लेके बहुत अच्छा है तो आप ये अपकमिंग मीटिंग रिमाइंडर को ऑन रख सकते हैं अब बात करते हैं इन मीटिंग बेसिक सेटिंग्स के बारे में तो यहां पर हम पहले आते हैं चैट सेक्शन पे अब चैट सेक्शन को आपको ऑन रखना है क्योंकि कई बार जब आप बच्चों को म्यूट कर देंगे और बच्चों की वीडियो भी आप ऑफ कर देंगे और आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप चाहें तो चैट सेक्शन से कम्युनिकेट कर सकते हैं लेकिन चैट में भी इशू आता है तो वो इशू कैसे सॉल्व होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे चैट सेक्शन को इनेबल रखना है अब चैट केवल होस्ट के साथ हो वन टू वन चैट ना हो तो वो कैसे कंट्रोल होगी उसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन यहां पर हम डिफॉल्ट सेटिंग को हमें चैट को ऑन रखना है प्राइवेट चैट उसको डिसेबल करना है कि वन पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के साथ चैट ना कर पाए ऑटो सेविंग चैट्स कई बार ऐसा होता है कि चैट पे जब आपको कुछ मिसबिहेवियर कंटेंट आता है और आपको उस यूजर के बारे में पता चल जाता है तो उस यूजर ने क्या लिखा था या बच्चे कुछ क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट आंसर करते हैं या कुछ आपने इंपॉर्टेंट बात चैट सेक्शन में कोई लिंक आपने शेयर किया हुआ होता है तो वो सब चीजें ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी आपके कंप्यूटर सिस्टम पे तो दैट्स वाई यू कैन यूज ऑटो सेविंग चैट्स ऑप्शन यहां पर एक ऑप्शन है सेंड फाइल्स वाया मीटिंग चैट तो अगर आप एक प्रो लेवल की बड़े लेवल के स्टूडेंट्स की क्लास ले रहे हैं आपको मीटिंग में बच्चों के साथ में कंटेंट शेयर करना है फाइल शेयर करनी है तो आप इसे एनेबल रख सकते हैं अदरवाइज आप इसे नॉर्मली डिसेबल ही रखें तो ज्यादा अच्छा है ताकि अननेसेसरी अनऑथेंटिक जो कंटेंट है वो स्टूडेंट्स भी आप तक शेयर ना कर पाए और आप भी स्टूडेंट्स को ना भेजें फीडबैक टू जूम तो ये एक जर्नल जूम की तरफ से ही फीचर है आप इसे एनेबल डिसेबल अपने हिसाब से रख सकते हैं आगे इसमें ऑप्शन है ऑलवेज शो मीटिंग कंट्रोल बार यानी हमेशा मीटिंग का जो कंट्रोल बार है वो हमेशा दिखना चाहिए ताकि आप जब चाहे मीटिंग को अपनी कंट्रोल कर सके अब आते हैं स्क्रीन शेयरिंग अभी हम इन मीटिंग बेसिक पर स्क्रीन शेयरिंग के बारे में बात कर रहे हैं हु कैन शेयर होस्ट ओनली तो कई बार ऐसा होता है कि जब स्क्रीन शेयरिंग एनेबल्ड होती है तो बच्चे कुछ ना कुछ स्क्रीन शेयर करते रहते हैं तो डिफॉल्ट सेटिंग पे आप ये सेट कर दीजिए कि भाई कैन शेयर ओनली होस्ट जब कभी आपको बच्चे से शेयर कराना है तो आप रन टाइम पे वहां सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं लेकिन डिफॉल्ट सेटिंग पे इसे होस्ट ओनली ही रखिए एनोटेशन को ऑन रखिए ताकि जब आप कुछ समझा रहे होते हैं या आपने कोई मैप एक्सप्लेन करना है और मैप में बच्चों से पूछना है कि बताइए ये क्या है तो फिर दूसरा बच्चा भी उसको एनोटेट कर सके इसलिए आप एनोटेशन को ऑन रखिएगा व्हाइट बोर्ड जब आप शेयर करते हैं तो आप उस पर जो भी कुछ बना रहे हैं तो यहां पर आपको जूम बेसिक के अंदर फ्री वर्जन में यह फीचर देता है कि आपने जो कुछ पढ़ाया है आप उसे पीएनजी की फॉर्मेट में या फिर पी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं उसके बाद आता है मीटिंग रिएक्शन ये भी इन मीटिंग बेसिक का पार्ट है इसे भी आप ऑन या ऑफ रख सकते हैं क्योंकि अब बहुत सारी इमोजीज आ गई हैं रिएक्शन के लिए तो बच्चे कई बार क्लैपिंग यूज करते हैं और बहुत सारे सिंगल साइंस होते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ लिमिटेड इमोजीज के साथ में ही बच्चा काम करे जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये हार्ट आइकन है या ये स्माइली है यहाँ पर थम्स अप का आइकन है क्लैपिंग का आइकन है बस लिमिटेड एक दो तीन चार पांच छ ये छह रिएक्शन ही स्टूडेंट्स को अपनी स्क्रीन पर दिखेंगे कि जब वो मीटिंग के अंदर होगा तो केवल वो ये ही रिमोट आइकन शेयर कर सकता है आगे है अलाउड रिमूव पार्टिसिपेंट टू रीज अगर आपने किसी बच्चे को रिमूव कर दिया है देखिए ये सेटिंग ऐसी सेटिंग है जिसमें आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अगर आपने किसी बच्चे को रिमूव कर दिया है तो वो बच्चा दोबारा क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकता उस टाइम पर वो बाद में जब आप कोई फ्रेश क्लास लेंगे तो वो ज्वाइन कर पाएगा लेकिन अगर आपने चलती क्लास में किसी बच्चे को रिमूव किया है तो वो दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएगा अगर आप उसे ज्वाइन कराना चाहते हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को अनेबल रख सकते हैं अदरवाइज आपको कोई ऐसा बच्चा लगा जिसने क्लास में मिसबिहेव किया या वो आप उसे क्लास में नहीं रखना चाहते तो आप डायरेक्टली उसे रिमूव करेंगे और जैसे ही आप उसे रिमूव करेंगे वो दोबारा उस क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएगा तो इसलिए ये सेटिंग आपको डिसेबल रखनी चाहिए अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू रीनेम दिल्व ये सेटिंग भी आप अपने सेफ्टी पर्पज से ऑफ रखिए यानी कि कई बार क्या होता है जो मैंने फेस किया बच्चे क्लास में आते हैं एक अच्छे बच्चे के नाम पे और बाद में वो अपना नाम बदल लेते हैं या वो कुछ एक्टिविटी ऐसी करते हैं कि भाई उसे लगता है कि भाई नाम दूसरे बच्चे का आ जाएगा तो फिर वो क्या करते हैं अपना नाम तुरंत चेंज कर लेते हैं चलती क्लास में चेंज कर लेते हैं तो इसलिए आप इस सेटिंग्स को भी ऑफ कर लीजिए यानी जब कोई स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है तो वो जिस नाम से ज्वाइन कर रहा है पूरी ऑल ओवर द रनिंग मीटिंग में वो उसी नाम से रखेगा अपने आप को और शी कांट चेंज देअर नेम तो अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू रीनेम सेल्व इस फीचर को आप बंद रख सकते हैं हाइड पार्टिसिपेंट्स पिक्चर इसी तरीके से जब बच्चे क्लास में ज्वाइन होते हैं तो फिर वो किसी भी फेक पर्सन की प्रोफाइल पिक लगा लेते हैं या कोई ऐसी पिक लगा लेते हैं जो क्लास के हिसाब से सुटेबल नहीं है या वो नहीं होनी चाहिए तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स की प्रोफाइल पिक्चर को ऑफ कर सकते हैं यानी जब भी आप जूम क्लास लेंगे तो डिफॉल्ट आपको सबके नाम नजर आएंगे लेकिन उनकी प्रोफाइल पिक्चर्स हाइड रहेगी तो ये वो तीन सेटिंग्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि जब आप किसी पार्टिसिपेंट्स को रिमूव करते हैं तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता बच्चा क्लास में आने के बाद नाम नहीं चेंज कर सकता और वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर को शो नहीं करा सकता तो ये तीनों सेटिंग्स आपको डिसेबल रखनी चाहिए अब आते हैं इन मीटिंग एडवांस्ड ऑप्शन तो यहां पे ये ऑप्शन है रिपोर्ट टू जूम जब आप किसी बच्चे को रिमूव करते हैं तो वहां साथ में एक ऑप्शन नजर आएगा रिपोर्ट टू जूम तो रिपोर्ट टू तो जूम का एक इस तरीके से कह सकते हैं कि हम जूम को ये बता रहे होते हैं कि भाई ये पर्सन ऐसा है जिसे हम नहीं चाहते कि ये जूम पर रहे या ये हमें क्लास में डिस्टर्ब करता है तो हम जूम को रिपोर्ट कर सकते हैं तो ये सेटिंग्स आप इनेबल रखेंगे रिपोर्ट तो टू जूम तो जब भी आप किसी को रिमूव करेंगे तो आप डायरेक्टली जूम को रिपोर्ट कर सकते हैं आगे की कुछ फीचर्स आपके ज्यादा वर्कआउट की नहीं है वर्चुअल बैकग्राउंड तो ये आप यूज कर सकते हैं अपने लिए क्योंकि जब आपने ये ऑन किया है तभी वो आपको वहां पर आपके फोटो के पीछे आपके कैमरे के पीछे जो भी आप फेस आ रहा है उसके पीछे वर्चुअल बैकग्राउंड को अलाउ करने देता है वीडियो फिल्टर्स ये आपके ऊपर है आप इसे ऑन करना चाहें या ऑफ करना चाहें इमरज व्यू एक अच्छा व्यू आपका नजर आए तो ये सब चीजें आप ऑन रख सकते हैं तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जिन्हें आप अपने क्रोम ब्राउजर पर या किसी भी ब्राउजर पर जूम अकाउंट को डायरेक्टली लॉग इन करने के बाद इन सेटिंग्स को आप अपनी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं जो अभी मैंने आप लोगों को बताई है इसके बाद में आपको करना क्या है आपको ये आप यहां चाहें तो यहां से लॉग आउट भी कर सकते हैं और अदरवाइज डायरेक्टली आप अपने जूम ऐप पर अब आ सकते हैं अब आप इसी अकाउंट से इसी सेम आईडी से आप मोबाइल पर भी कनेक्ट होंगे तो भी आपके लिए ये सारी फीचर्स काम करेंगी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी आएंगे तो भी ये फीचर्स काम करेंगे आप किसी भी मशीन पर जाकर के जब अपने इस अकाउंट से जिस अकाउंट पे हमने सारी सेटिंग्स को ऑन ऑफ किया है आप लॉग इन करेंगे तो ये फीचर्स आपके लिए काम करेंगे तो अब हम देखते हैं कि जब हम क्लास में मीटिंग ले रहे होते हैं जब हम क्लास पढ़ा रहे होते हैं हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अब हमने इन सेटिंग्स को भी यूज किया है और कर लेता हूं। अभी मैंने यहां पर अपनी वीडियो भी ऑन कर ली है अपना माइक भी ऑन कर लिया है और अभी आप देखिए जनरली अभी आपने किसी बच्चे को अपनी क्लास में ऐड नहीं किया है तो बच्चे को ऐड करने से पहले ही आप कौन कौन सी सेटिंग्स यहां पर सेट कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहां सिक्योरिटी ऑप्शंस मिलेगा आपको मोबाइल पर भी ये ऑप्शन मिलेगा मोबाइल पर ये कैसे करेंगे उसके लिए हम दूसरी वीडियो पर आपको डिस्कस करेंगे तो सिक्योरिटी के अंदर आपको देखिए ये सारी फीचर मिल रही है इनेबल वेटिंग रूम ये आपने पहले से डिफॉल्ट सेट करके रखा था दैट इज वाई आपको यहाँ इनेबल वेटिंग रूम नजर आ रहा है लॉक मीटिंग आफ्टर फाइव मिनट टेन मिनट्स आपने बच्चों को ज्वाइन करा लिया तो आप अपनी मीटिंग को लॉक कर दीजिए फिर कोई भी यूजर आपकी क्लास में एंटर नहीं करेगा हाइड प्रोफाइल पिक्चर यह ऑप्शन आपको यहां दिख रहा है यानी कि जब बच्चे ज्वाइन करें तो आप इस ऑप्शन को टिक कर दीजिए तो बच्चों की प्रोफाइल पिक्चर होगी या नहीं होगी कैसे होगी देखते हैं अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं उसके बाद में अलाउ पार्टिसिपेंट्स इन दिस मीटिंग टू शेयर स्क्रीन नहीं हमने परमिशन नहीं दी है आप चाहें तो यहां क्लिक करके परमिशन दे सकते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है अभी आपने चैट करने की परमिशन दी हुई है लेकिन चैट के अंदर भी देखिए अभी आप मीटिंग स्टार्ट आपने मीटिंग वैसे स्टार्ट कर दी लेकिन किसी को ऐड नहीं किया है बच्चे वेटिंग लिस्ट में वेट करने दीजिए जब आप मीटिंग स्टार्ट कर लें तो कुछ सेटिंग्स आप पहले चेक कर लें अब आप चैट सेक्शन पे आइए चैट सेक्शन के अंदर यहां देखिए मोर ऑप्शन है अभी यहां पर मिलेगा पार्टिसिपेंट्स कैन चैट विद नो वंस किसी के साथ चैट नहीं कर सकता होस्ट ओनली यानी कि अगर मैं मीटिंग ले रहा हूं मैं मीटिंग का होस्ट हूं तो केवल बच्चा मुझसे ही चैट कर सकता है जो कुछ बच्चा कोई लिखेगा तो वो मुझे ही नजर आएगा वो किसी को नजर नहीं आएगा और अगर आप इसे एवरी और पब्लिकली कर लेते हैं तो फिर ये सबको नजर आएगा तो जब भी आप क्लास लें तो अगर आप ये एक बार सेटिंग कर देंगे रनिंग क्लास में कि भाई होस्ट ओनली रखना है तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी क्लास लेंगे आपको ये ऑप्शन अनेबल मिलेगा तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसे होस्ट ओनली करके सेव कर सकते हैं उसके बाद आपके पास में सिक्योरिटी में ऑप्शन है स्टार्ट वीडियो आप इसे कह सकते हैं आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं यानी कोई अननेसेसरी कंटेंट वीडियो में ना करे तो आप यहां पे वीडियो बंद कर दीजिए तो वीडियो बंद हो जाएगी अनम्यूट दैम सेल्फ देखिए ये वो ऑप्शन है अनम्यूट दैम सेल्फ अभी मैं इस पर टिक कर देता हूं यानी कि अब मैंने यहां पर क्या किया है अनम्यूट दैम सेल्फ को टिक हटा दिया है अब मैं यहां पर मीटिंग के अंदर कुछ पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन कराता हूं जैसे ही पार्टिसिपेंट्स वेटिंग लिस्ट में आएगा तो आपको यहां पता चल जाएगा कि भाई वेटिंग लिस्ट में कोई गेस्ट यूजर आया हुआ है या उसका कोई नाम है वो आपको यहां पे नजर आएगा आप उसे एडमिट भी कर सकते हैं आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं लेट्स सी हम उसे एडमिट करते हैं अभी ये यूजर ज्वाइन कर रहा है और अब इस यूजर ने ज्वाइन कर लिया है फर्स्ट टाइम जब ये यूजर ज्वाइन करेंगे तो ये अपनी वीडियो इनकी बंद है तो हम इन्हें कह सकते हैं कि आप अपनी वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं या वो अपने किसी भी ऑडियो डिवाइस को कनेक्ट करके हमारी ऑडियो के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे अब बाई डिफॉल्ट अब आप वापस देखिए यहां पर भी एक ऑप्शन आपको मिलेगा अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट दैन सेल्फ पार्टिसिपेंट्स अपने आप को अनम्यूट कर पाए अगर आप इस पर टिक लगाते हैं तो वो परमिशन उसको मिलेगी लेकिन अगर वो खुद से चाहेगा तो वो रिमूव नहीं कर पाएगा वो अपनी वॉइस ऑन नहीं कर पाएगा उसे मोबाइल पर या अपनी डिवाइस पर एक मैसेज लिखा मिलेगा कि भाई यू कांट बिकॉज होस्ट ने अभी ये परमिशन अलाउ नहीं की है तो आप ये ऑप्शन का ध्यान रखिएगा अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट सेल्फ अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू रीनेम दिल्व तो आप देखेंगे यहां पर टिक नहीं है नहीं का मतलब ये है कि ये सेटिंग्स डिसेबल्ड हैं तो आप ये चीजें इनका ध्यान रख सकते हैं म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री जब वो ज्वाइन करे तो म्यूट रहे लेकिन वो फिर भी अपने आप को इनेबल रख सकता है लेकिन अगर आपने ये सेटिंग ऑन कर दी अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट सेल्स तो जैसे ही आप अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं तो ध्यान दीजिए जब आप फर्स्ट टाइम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कभी भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ सिक्योरिटी फीचर्स आप पहले चेक कर लीजिए सिक्योरिटी पर जाइए देख लीजिए भाई चैट अनेबल्ड है ठीक है अगर एनेबल्ड है तो एनेबल्ड में भी मोर में जाके चेक कर लीजिए केवल होस्ट ओनली ये सेटिंग्स होगी उसके बाद में आपने देख लिया भाई वीडियो स्टार्ट करने की परमिशन देनी है या नहीं देनी है ये आप तय करिए अनम्यूट देम यानी वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाए बिना आपकी परमिशन के रीनेम भी ना कर पाए यानी अगर कोई आ गया गलत नाम से एंट्री करता है या किसी सही बच्चे के नाम से एंट्री करता है तो अब वो नाम तो चेंज नहीं कर पाएगा यानी आप उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे या तो वो क्लास को लीव कर देगा क्योंकि वो क्लास में आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जिनका यूज करके आप अपनी क्लास को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं आप चाहें तो किसी यूजर को यहां से अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो उस रिमूव करने के बाद ये यूजर दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकता ये भी ध्यान देखिए क्योंकि ये सेटिंग हमने एनेबल कर दी है तो जब आप किसी यूजर को रिमूव कर रहे हैं तो पहले देख लीजिए इसको रिमूव करना है या नहीं करना है वो आप तय कर लीजिएगा तो अगर आप रिमूव करते हैं या फिर पुट इन वेटिंग रूम जैसे आप वेटिंग रूम में भेज सकते हैं वापस जैसे ही मैंने इसको पुट इन वेटिंग रूम में कहा तो मेरी क्लास में एक पार्टिसिपेंट मैं खुद रह गया और वो यूजर वेटिंग लिस्ट में चला गया तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं यानी कुछ टाइम के लिए सस्पेंड भी कर सकते हैं तो ये फीचर भी आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पर रिएक्शन की बात करेंगे तो लिमिटेड रिएक्शन ही नजर आएंगे आप होस्ट हैं तो आपको ज्यादा नजर आएंगे लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड हैं उसको लिमिटेड ऑप्शन ही दिखेंगे क्योंकि आपने डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर चार या पांच ही ऑप्शन उसके लिए छोड़े हुए हैं तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जिनका यूज करके आप अपनी जूम क्लास को बहुत ज्यादा एट्रेक्टिव बहुत ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं आपको इस वीडियो में कुछ सेटिंग्स अगर ऐसी लगी हो कि नहीं सर ये तो बदली जा सकती हैं, तो बिल्कुल बदली जा सकती हैं, कस्टमाइजेबल हैं। मुझे जो लगा कि जब मैं अपनी क्लास को लेते हुए बहुत डिफिकल्टीज फील करता हूं तो मुझे ये सोल्यूशंस नजर आए जो मैंने आप लोगों के साथ में आज शेयर किए हैं आपको ये सोल्यूशन कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा